जय जगन्नाथ। मैं देवेंद्र कुमार साहू आप सभी को हृदय से स्वागत करता हूं। आप एक नई वीडियो में मुझे अभी देख रहे हैं। आपकी नई चैनल ओपन स्कूलिंग में मैं आपको फिर से स्वागत करके आज का वीडियो शुरू करता हूं। ये एक पहाड़ की नज़ारा है, एक सुंदर सा पहाड़। इसे कहते हैं घनशिला पहाड़। मैं अभी उसी पहाड़ में वीडियो का शूटिंग कर रहा हूँ। ये पहाड़ एक ऐतिहासिक पहाड़ है। इस पहाड़ की विशेषत्व है कि इसका नाम है घनशिला, अर्थात इसे कहते हैं घंट का शिला। यहाँ की सब शिला घंट की तरह आवाज़ करता है और यहाँ की विशेषत्व यही है। पहाड़ के ऊपर ये मंदिर है, रामलला का मंदिर। वो मंदिर में राम, लक्ष्मण, सीता माँ और जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा विराजमान किए हुए हैं। आप देख रहे हैं वो भगवान रामलला का वो मंदिर जो घनशिला पहाड़ पर अवस्थित है। एक सुंदर सा मंदिर, खूब सुंदर सा व्यूज। देखिए कितना सुंदर सा मंदिर है, रामलला का मंदिर। एक सुंदर, शांत, सरल, अद्भुतपूर्व परिसर में वो मंदिर अभी अवस्थित हैं। COVID-19 के वजह से अभी ये मंदिर बंद हो गया है। अभी भक्तों का प्रवेश यहाँ पे अनुमति नहीं दे जा रही है। अभी चलते हैं वो पहाड़ के ऊपर जहाँ सभी शिला घंट के तरह आवाज़ करते हैं, वो सब आपको दिखाने के लिए। एक जंगल का परिवेश है। अद्भुत परिवेश, सुंदर सा परिवेश। वहाँ पे आप देख रहे हैं बादल, बारिश होने वाला है। भयंकर जंगल है। अकेले में आने के लिए डर लगता है, मगर क्या करूं, आपको जो वो नज़ारा दिखाना है इसीलिए मैं वो जंगल में आ रहा हूं। अभी बारिश शुरू हो गई है। ये वही शिला है पहाड़ की जो घंट के तरह, बेल के तरह आवाज़ करता है। इसे इसीलिए घनशिला कहते हैं। एक सुंदर सा नज़ारा देखिए, हमने कितना ऊपर चला आया है। हरियाली खेत, वहाँ पे दूर से बाणपुर शहर आपको नज़र में आ जाएगा। वो पूरा बाणपुर का सुंदर सा नज़ारा है। देखिए हम कितना ऊपर आ गए हैं। ये वही शिला है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो कैसे साउंड कर रहा है, क्यों इसे घनशिला कहते हैं, ये पहाड़ का नाम क्यों घनशिला है। ये टोटल पहाड़ को घनशिला कहते हैं।
द एंटायर हिल इज नोन एज घंटशिला। कभी मैं घंटशिला पर्वत के ऊपर हूँ, वही ऐतिहासिक पहाड़ जिसका नाम है घंटशिला, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिंगिंग रॉक। द हिल ऑफ रिंगिंग रॉक ये पहाड़ की सभी पत्थर बेल के तरह साउंड नहीं करते हैं, शब्द नहीं करते हैं, ओनली सिलेक्टेड कुछ कुछ पत्थर बेल के तरह साउंड करते हैं, तो इसीलिए ये पहाड़ को उसी पत्थर के नाम से घंटशिला और रिंगिंग रॉक नाम से बोला जा रहा है। ये पत्थर वही ऐतिहासिक पत्थर है जो बेल के तरह टिंग टिंग आवाज कर रहा है। मैं प्रमाण के स्वरूप आपको ये पत्थर को बजा के पीट के वो शब्द निकाल के आपको दिखाऊंगा, तो देखते रहिए ये पत्थर कैसे साउंड कर रहा है। तो आपके लिए देखो, ये बड़ा पत्थर के ऊपर एक छोटा सा पत्थर है, मैं वही पत्थर को लेकर ये पत्थर को पीटूंगा, वो कैसे शब्द कर रहा है देखिए। यहाँ पे एक पत्थर है, इसको मैं पीटूंगा तो देखिए वो कैसे शब्द कर रहा है, वो बिल्कुल पत्थर के तरह शब्द कर रहा है। मगर इसे देखिए ये कैसे शब्द कर रहा है, और इससे देखिए फिर से अभी मैं पहाड़ के ऊपर हूँ, ऐतिहासिक पहाड़ घंटशिला। बारिश शुरू हो गई है, ये वो ऐतिहासिक पहाड़ है जहाँ पत्थर भी शब्द कर रहा है। आप देख रहे हैं वो पत्थर जो बेल की तरह शब्द कर रहा है, साउंड कर रहा है। ये पत्थर फिर से आप देखो कैसे शब्द कर रहा है आपके लिए, और ये पत्थर को भी देखो, इसका शब्द सुनिए, और इसका भी फिर से। ये पत्थर का आवाज़ है क्या, एक अद्भुत सा आवाज़ है आपको सुनाई दे रहा है। बिल्कुल एक बेल के तरह शब्द कर रहा है, वो साउंड आ रहा है एक बेल की तरह। कोई नहीं कहेगा कि ये एक पत्थर का आवाज़ है, ये सारे विश्व में आपके लिए मैं ये वीडियो के जरिए दिखा रहा हूँ। आप देखिए होल वर्ल्ड में, सारा विश्व में आप क्या इसी तरह पत्थर देखे हो, कभी नहीं। वो केवल उड़ीसा में है, उड़ीसा की खोर्धा जिला की वो बाणपुर शहर है, वही बाणपुर शहर का ये ऐतिहासिक पहाड़ घंटशिला पहाड़, जहाँ ये पत्थर बेल की तरह आवाज़ करता है। आप सुनिए, आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ, आप सुनिए ये शब्द कैसे शब्द कर रहा है, ये पत्थर कैसे शब्द कर रहा है, और ये पत्थर को भी देखिए
वो कैसे शब्द कर रहा है। यह है घनशिला पहाड़ का विशेषत्व, यूनिकनेस, जो साइंटिस्ट भी नहीं बता पाएंगे क्यों ये साउंड हो रहा है। मैं अभी घनशिला पहाड़ की ऊपर हूँ, वहाँ बारिश शुरू हो गई है, देखिए अद्भुत सा नज़ारा। मैं पहाड़ के ऊपर रामलाला का वो जो मंदिर है वहाँ पर हूँ। वहाँ दूर दूर तक बारिश हो रही है, एक अद्भुत सा नज़ारा है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जोर से हो रही है बारिश। देखिए वो अद्भुत सा नज़ारा। दोस्तों अभी मैं घनशिला पहाड़ के ऊपर हूँ, वो भगवान रामलाला का मंदिर है, वही मंदिर के परिसर में हूँ। बाहर ज़ोरदार बारिश हो रहा है, अभी फिलहाल वीडियो को क्लोज करने का टाइम हो गया है। मैंने आज के वीडियो में आपको दिखाया कि वो सुंदर सा पहाड़ घनशिला पहाड़, द हिल ऑफ रिंगिंग रॉक, आपने देखा कैसे वो पत्थर बेल के तरह शब्द कर रहा है, आपने सुना। सारा विश्व में एक ही पत्थर है वो, जो पत्थर के तरह शब्द नहीं कर रहा है परंतु एक बेल के तरह शब्द कर रहा है। वो नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा उड़ीसा का खोर्धा जिला, वही खोर्धा जिला का एक सुंदर सा शहर बाणपुर। आप आइए बाणपुर, देखिए घनशिला पहाड़, देखिए माँ भगवती जी का टेम्पल भी देखिए, वो घनशिला पहाड़ आइए, वहाँ पे रामलाला का मंदिर है वो भी देखिए, वो रिंगिंग रॉक को भी देखिए, और खुद ही सुनिए वो पत्थर कैसे शब्द कर रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना सा, मैं आपका देवेंद्र कुमार साहू, आपका चैनल ओपन स्कूलिंग में, जय जगन्नाथ।